तो दोस्तों आज तारीख हो गई है 8 जनवरी 2023 की, साथ ही में दिन है रविवार का। वहीं हिंदी तारीख है कृष्णा द्वितीय और महीना चल रहा है माघ का। तो आइए बिना देर किए फटाफट से जानते हैं आज की ताज़ा खबरें और मुख्य समाचार। दोस्तों आज के मुख्य समाचार में पहली बड़ी खबर आ रही है ऋषभ पंत को लेकर। जानकारी के मुताबिक पिछले हफ्ते कार एक्सीडेंट में चोटिल हुए टीम इंडिया के विकेटकीपर और बल्लेबाज ऋषभ पंत के घुटने की लिंगामेट की सफल सर्जरी मुंबई में ही हो गई है। बताया गया वो 3 से 4 दिन तक डॉक्टरों की निगरानी में रहेंगे। बताया गया ऋषभ पंत के घुटने का ऑपरेशन लगभग 3 घंटे तक चला। मीडिया रिपोर्ट के मुताबिक अभी हाल ही में बीते शुक्रवार को पंत के दाहिने पैर के घुटने के लिगामेंट की सर्जरी हुई है। दोस्तों वैसे आप नहीं जानते हैं तो आपको बता दें, एक्सीडेंट में पंत के सिर, घुटने और टखने पे चोट आई थी और उनके घुटने के 3 लिगामेंट के टूटने की बात भी सामने आई थी। इसी की वजह से अब ऐसे में कहा जा रहा है कि अब उनकी रिकवरी में समय लग सकता है। इस बारे में बीसीसीआई के एक अधिकारी ने बताया है कि ऋषभ पंत वर्ल्ड कप समेत 7 बड़े टूर्नामेंट को मिस कर सकते हैं, यानी कि स्वास्थ्य सही न होने की वजह से वो इन मैचों में नहीं खेल पाएंगे। वैसे आप नहीं जानते हैं तो आपको ये भी बता दें कि ऋषभ पंत आईपीएल में दिल्ली कैपिटल्स के कप्तान हैं। हालांकि अब यह अनुमान लगाया जा रहा है कि उनकी जगह ऑस्ट्रेलिया के वार्नर आईपीएल में दिल्ली कैपिटल्स टीम की कप्तानी संभाल सकते हैं। वहीं दोस्तों अगली बड़ी खबर आ रही है आने वाले 1 फरवरी को पेश होने वाले बजट को लेकर। जानकारी के मुताबिक वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण 1 फरवरी को फाइनेंशियल ईयर 2023-24 का बजट पेश करेंगी। ऐसे में एक बार फिर इनकम टैक्स को लेकर मिडिल क्लास की उम्मीदें परवान चढ़ने लगी हैं। माना जा रहा है कि 9 साल के बाद इनकम टैक्स को लेकर कुछ बड़ी घोषणाएं हो सकती हैं। आसान शब्दों में कहें तो जो लोग इनकम टैक्स भरते हैं उनके टैक्स को कम किया जा सकता है। हालांकि दोस्तों आपको बता दें अभी ये केवल एक अनुमान है। बाकी दोस्तों इनकम टैक्स भरने वाले लोगों के अलावा भी आने वाले 1 फरवरी 2023 को जो बजट पेश होने वाला है उसमें देश भर के लिए कई बड़ी खबरें आ सकती हैं। अब चाहे वो किसी सामान के सस्ता होने को लेकर हो या महंगा होने को लेकर या किसी तरह की नई सुविधा को लेकर, कुल मिलाकर आसान शब्दों में कहें तो आने वाला 1 फरवरी 2023 का दिन देश के सभी लोगों के लिए बड़ा ही महत्वपूर्ण हो सकता है, क्योंकि इससे पहले अक्सर बार ये देखा गया है कि जब भी बजट पेश किया जाता है तो इसका असर देश भर में होता है। वहीं दोस्तों अगली बड़ी खबर आ रही है जियो के 5G प्लान को लेकर। दोस्तों आप नहीं जानते हैं तो आपको बता दें, रिलायंस जियो सबसे तेजी से 5G सर्विस रोल आउट करने वाली कंपनी बन गई है। वैसे भी भारत में 5G का रोल आउट दुनिया के किसी भी अन्य देश के मुकाबले में तेजी से हो रहा है। आपको बता दें जियो ने अब तक देश के करीब 72 शहरों में 5G सर्विस को रोल आउट कर दिया है। शायद आप जानते होंगे इन शहरों में जियो यूजर्स को जियो वेलकम ऑफर के तहत आमंत्रित किया जा रहा है और इन शहरों के जियो यूजर्स को बिना किसी एक्स्ट्रा चार्ज के 1 Gbps प्लस स्पीड और अनलिमिटेड डाटा दिया जा रहा है। इसी कड़ी में अब ताज़ा जानकारी के मुताबिक जियो ने 5G प्लान पेश किया है जिसके बारे में बहुत ही कम लोगों को जानकारी है। आपको बता दें जियो के इस 5G प्लान की कीमत महज 61 रुपए है। दोस्तों सबसे पहले आपको बता दें कि जियो के सभी प्लान वाले यूजर्स 5G इस्तेमाल नहीं कर सकते हैं। अभी तक 239 रुपए या इससे ज्यादा के प्लान के साथ ही 5G नेटवर्क का सपोर्ट मिल रहा था। और ज्यादा आसान शब्दों में कहें तो अगर आपने 239 या इससे ज्यादा वाला रिचार्ज कर रखा है तो आपको तो वैसे ही जियो वेलकम ऑफर का फायदा मिल जाएगा, यानी कि 5G स्पीड का मजा आप बिल्कुल फ्री में उठा पाएंगे। लेकिन अगर आपने 239 रुपए से कम वाला रिचार्ज करा रखा है तो आपको जियो के 5G वेलकम ऑफर का फायदा उठाने के लिए 61 रुपए का रिचार्ज करना होगा। पर ध्यान रखें, सिचुएशन में भी आपके फोन में 119, 149, 179 या 199 या फिर 209 रुपए वाला रिचार्ज होना चाहिए। वहीं दोस्तों अगली बड़ी खबर आ रही है भयंकर सर्दी को लेकर। दोस्तों दुनिया के कई हिस्सों में ठंड का कहर जारी है। आप हमारे मुख्य समाचार अगर रोजाना देखते होंगे तो आपको पता होगा कि भारत के भी कई शहर शीतलहर की चपेट में हैं। दोस्तों इसी बीच सोशल मीडिया पर एक वीडियो वायरल हो रहा है। इस वीडियो में एक व्यक्ति किसी बर्फीले इलाके में खड़ा हुआ नजर आता है और इस वाले इलाके में इतनी ज्यादा ठंडी है कि उस व्यक्ति के हाथ में रखा खाने का सामान यानी कि नूडल मिनटों में बर्फ बन जाता है। इतना ही नहीं, उसकी दाढ़ी और चेहरे पे इतनी ज्यादा बर्फ जमी हुई है कि देखकर ही डर लग रहा है। वहीं दोस्तों अगली बड़ी खबर आ रही है धूमकेतु को लेकर। ताज़ा जानकारी के मुताबिक हाल ही में खोजा गया एक नया धूमकेतु आने वाले 2 फरवरी 2023 को पृथ्वी के बेहद ही करीब से गुजरने वाला है। बताया गया इस धूमकेतु को पिछले 50,000 सालों से नहीं देखा गया है, लेकिन आने वाले हफ्तों में लोग इसे रात के समय आसमान में नंगी आंखों से देख सकेंगे। दोस्तों अगर आप धूमकेतु के बारे में नहीं जानते हैं तो आपको बता दें, धूमकेतु गैसों, चट्टानों और धूल से बने कॉस्मिक स्नो बॉल होते हैं और ये धूमकेतु सूर्य की परिक्रमा यानी कि सूरज का चक्कर लगाते हैं। बताया गया वैसे तो इनका साइज काफी छोटा होता है, लेकिन जब ये सूरज के करीब पहुंचते हैं तो बहुत ज्यादा गर्म हो जाते हैं। इसकी वजह से उनके पीछे पूंछ जैसी एक लंबी धार बन जाती है और ये धार यानी कि पूंछ कई बार ग्रहों से भी बड़ी होती है। आसान शब्दों में कहें तो आने वाले दिनों में दुनिया के लोगों को एक ऐसे धूमकेतु का नजारा देखने को मिल सकता है जिसे 50,000 सालों से नहीं देखा गया है। जाहिर बात है, ये अपने आप में ही एक बड़ी बात है। वहीं दोस्तों अगली बड़ी खबर आ रही है चीनी के दाम बढ़ने की संभावना को लेकर। ताज़ा जानकारी के मुताबिक इस साल देश में चीनी का उत्पादन 3,45,00,000 टन रह सकता है, जो एक साल पहले की तुलना में 3.63% कम है। आसान शब्दों में कहें तो
ये बताया गया है कि साल चीनी का उत्पादन कम रह सकता है, इसी की वजह से आपका रसोई का बजट बिगड़ सकता है, यानी कि चीनी के दाम बढ़ने की संभावना है। हालांकि आपको बता दे, अभी ये केवल संभावना ही है, यानी कि दाम बढ़ना कोई पक्का नहीं है। वहीं दोस्तों अगली बड़ी खबर आ रही है शराबियों को होने वाली सजा को लेकर। जानकारी के मुताबिक बिहार में शराबबंदी कानून के तहत पकड़े गए लोगों में महज 3% लोग ही जेल जा रहे हैं। इस बारे में एक ताज़ा रिपोर्ट आई है जिसमें ये बताया गया है कि बीते साल 2022 में 155,867 लोगों को शराबबंदी कानून के तहत सजा सुनाई गई। हालांकि इनमें से 97% यानी 151,591 शराबी जुर्माना देकर रिहा हो गए हैं। आसान शब्दों में कहें तो केवल 4,276 लोगों को ही जेल की सजा हो पाई है। साथ ही इसी बीच ये भी जानकारी दी गई है कि शराब के धंधे में शामिल रहे 400 से ज्यादा अभियुक्तों को 1 साल से 10 साल के बीच की सजा सुनाई गई है। वहीं दोस्तों अगली बड़ी खबर आ रही है रेड़ी पटरी वालों को लेकर। ताज़ा जानकारी के मुताबिक स्ट्रीट वेंडर्स यानी कि रेड़ी पटरी वालों जैसे छोटे कारोबारियों के लिए एक अच्छी खबर सामने आ रही है। दरअसल यूनियन आईटी एंड टेलीकॉम मिनिस्टर अश्विनी वैष्णव ने बीते शनिवार को कहा है कि इस साल 2023 में डिजिटल टेक्नोलॉजियों की मदद से स्ट्रीट वेंडर्स को यानी कि रेड़ी पटरी वालों को 3,000 से 5,000 रुपए तक की माइक्रो लोन फैसिलिटी देने पे खास जोर दिया जाए। दोस्तों ऐसे आप नहीं जानते हैं तो आपको बता दे, प्रधानमंत्री स्ट्रीट वेंडर्स आत्मनिर्भर निधि योजना को माइक्रो क्रेडिट फैसिलिटी के रूप में जून 2020 में शुरू किया गया था। आपको बता दे इस योजना का मकसद है कि कोरोना महामारी के चलते स्ट्रीट वेंडर्स यानी कि रेड़ी पटरी वालों को जो नुकसान हुआ है उसकी भरपाई की जाए और उनको सशक्त बनाया जाए, यानी कि उनके बिजनेस को अच्छा बनाया जाए। बताया गया इस योजना के तहत सरकार का दिसंबर 2024 तक देश के 42 लाख रेड़ी पटरी वालों को बेनिफिट देने का टारगेट रखा गया है। आसान शब्दों में कहें तो इस योजना के तहत रेड़ी पटरी वालों को 3,000 से 5,000 रुपए तक देकर उनकी मदद की जाएगी। हालांकि आपको बता दें ये मदद एक लोन के रूप में होगी, पर दोस्तों इस लोन की प्रक्रिया इतनी ज्यादा आसान हो सकती है कि इसका फायदा रेड़ी पटरी वाले आसानी से उठा पाएंगे। वहीं दोस्तों अगली बड़ी खबर आ रही है दिल्ली की एमसीडी में विवाद बढ़ने को लेकर। दोस्तों आपने हमारे बीते रोज का मुख्य समाचार देखा होगा तो शायद आपको पता होगा कि दिल्ली के एमसीडी के मेयर और डिप्टी मेयर का चुनाव बीते शुक्रवार को नहीं हो पाया। भारी हंगामा होने की वजह से सदन की कार्यवाही स्थगित कर दी गई। अब इसी कड़ी में ये ताज़ा जानकारी आई है जिसमें ये बताया गया है कि अब आम आदमी पार्टी और भाजपा सड़कों पे उतर आई हैं और वो एक दूसरे के खिलाफ प्रदर्शन कर रही हैं। बताया गया दिल्ली के एलजी वीके सक्सेना के ऑफिस के बाहर आम आदमी पार्टी के कार्यकर्ताओं ने प्रदर्शन किया। वहीं आम आदमी पार्टी के विधायक आतिशी ने मांग की है कि भाजपा और लेफ्टिनेंट गवर्नर यानी कि एलजी वीके सक्सेना लिखित रूप में स्टेटमेंट दें कि नॉमिनेटेड सदस्य वोट नहीं डालेंगे। साथ ही वहीं आम आदमी पार्टी के कार्यकर्ता के खिलाफ भाजपा कार्यकर्ता राजघाट में धरना दे रहे हैं। उनका कहना है कि आम आदमी पार्टी के पार्षदों ने महिला पीठासीन अधिकारी के साथ गाली गलौज की है और उनके ऊपर कुर्सी फेंकी है। इस बारे में बीजेपी ने एलजी से मांग की है कि ऐसे आप नेताओं पर कड़ी से कड़ी कानूनी कार्रवाई की जाए। दोस्तों अगली खबर के बारे में बताने से पहले आपको बता दें कि हमारे चैनल सब कुछ सीखो जानो पर अभी एक इनामी ऑफर चल रहा है जिसके तहत हर गुरुवार को किसी एक यूजर को इनमें से कोई एक गिफ्ट दिया जा रहा है जिसे आप अभी अपनी स्क्रीन पे देख रहे हैं। दोस्तों इस इनामी ऑफर में हिस्सा लेना बड़ा ही आसान है। इस मुख्य समाचार के वीडियो को शुरू से अंत तक देखना है। साथ ही दोस्तों अभी तक अगर आपने हमारे इस चैनल सब कुछ सीखो जानो को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करके बेल का आइकन जरूर दबाना है। बेल का आइकन दबाना सबसे मेन है। अगर आपने पहले से सब्सक्राइब कर रखा है और बेल का आइकन नहीं दबाया है तो आप इसे ध्यान से ऑन कर लें। वहीं दूसरा काम है इसी वीडियो को लाइक और शेयर करना। तो जो भी यूजर इन कामों को करेंगे तो इन्हीं में से किसी एक विनर को हर गुरुवार को इनमें से कोई एक गिफ्ट दिया जाएगा। आसान शब्दों में कहें तो हर गुरुवार को एक नए विनर का ऐलान किया जाएगा। वहीं दोस्तों अगली बड़ी खबर आ रही है खून की जरूरत को लेकर। जानकारी के मुताबिक देश में आए दिन हजारों लोग सही समय पे ब्लड न मिलने के चलते दम तोड़ते रहते हैं, लेकिन दोस्तों एक ऐप की मदद से लोग अपनी या अपने परिवार या अपने रिश्तेदार की जान बचा सकते हैं। असल में दोस्तों एक ऐप है जो कि CADC की तरफ से जारी किया गया है और इस ऐप का नाम है ई रक्त कोष। इस ऐप की मदद से आप अपना भी ब्लड डोनेट कर सकते हैं। वहीं अगर आपको ब्लड की जरूरत है तो ये भी सुविधा आपको इस ऐप में मिल जाएगी। साथ ही इस ऐप के जरिए आप ब्लड की स्टॉक अवेलेबिलिटी भी चेक कर सकते हैं, यानी कि जो ब्लड आप ढूंढ रहे हैं वो स्टॉक में है भी या नहीं आपको इसका भी पता चल जाएगा। बाकी दोस्तों आप ज्यादा जानकारी के लिए ई रक्त कोष ऐप को प्ले स्टोर से डाउनलोड करके देख सकते हैं। वहीं दोस्तों अगली बड़ी खबर आ रही है सानिया मिर्जा को लेकर। जानकारी के मुताबिक 6 बार की ग्रैंड स्लैम विजेता सानिया मिर्जा ने बीते शनिवार को टेनिस से संन्यास लेने का ऐलान किया है। 36 साल की सानिया मिर्जा ने एक इंटरव्यू में कहा है कि दुबई का WTA 1000 इवेंट उनका आखिरी टूर्नामेंट होगा। दोस्तों आप नहीं जानते हैं तो आपको बता दे सानिया मिर्जा ने 3 बार विमेंस डबल्स का ग्रैंड स्लैम और 3 बार मिक्स डबल्स का खिताब जीत रखा है। वैसे दोस्तों आपको बता दे सानिया मिर्जा ने पिछले साल भी संन्यास लेने की घोषणा की थी, हालांकि बाद में उन्होंने अपना फैसला वापस ले लिया। दोस्तों आप नहीं जानते हैं तो आपको बता दे सानिया मिर्जा को अर्जुन अवार्ड, पद्मश्री अवार्ड, पद्म भूषण अवार्ड और राजीव गांधी खेल रत्न का भी सम्मान मिल चुका है। वहीं दोस्तों अगली बड़ी खबर आ रही है शाहरुख खान के NGO को लेकर। जानकारी के मुताबिक सुपरस्टार शाहरुख खान ने दिल्ली
दिल्ली के कंझावला हादसे में जान गंवाने वाली अंजलि सिंह के परिवार की मदद की है। दोस्तों, आप हमारे मुख्य समाचार अगर रोजाना देखते होंगे तो आपको पता होगा कि अभी हाल ही में नए साल के मौके पर कार के नीचे फंसकर घसीटने की वजह से अंजलि की जान चली गई थी। जानकारी के मुताबिक दिल्ली के एक सूत्र ने इसके बारे में खुलासा करते हुए कहा है कि शाहरुख खान के मीर फाउंडेशन ने अंजलि सिंह की फैमिली को बड़ी अमाउंट डोनेट की है। हालांकि दोस्तों, रकम की जानकारी सामने नहीं आ पाई है, यानी कि ये तो पता चला है कि एक बड़ा अमाउंट डोनेट किया गया है, लेकिन ये पता नहीं चल पाया है कि ये बड़ा अमाउंट आखिर है कितना, हजारों में है, लाखों में है या फिर इससे भी आगे, इसकी कोई जानकारी सामने नहीं आई है। दोस्तों, साथ ही मैं आपको बता दें, अंजलि केस को लेकर फिर कई बड़े अपडेट सामने आए हैं। वहीं दोस्तों, अगली बड़ी खबर आ रही है अमित शाह के एक बयान को लेकर। जानकारी के मुताबिक केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह के कोरबा पहुंचने पे बीजेपी कार्यकर्ताओं ने उनका जोरदार स्वागत किया। आप नहीं जानते हैं तो आपको बता दें, अभी हाल ही में देश के गृह मंत्री झारखंड के चाईबासा से सीधे कोरबा पहुंचे। इसी दौरान जनसभा को संबोधित करते हुए अमित शाह ने कहा कि श्री राम की ननिहाल छत्तीसगढ़ आना उनका सौभाग्य है। साथ ही अमित शाह ने कहा कि यहां की जनता ने बीजेपी को 15 साल शासन करने का मौका दिया, उसके लिए आपका धन्यवाद। साथ ही अमित शाह ने आगे कहा कि पहले सभी छत्तीसगढ़ को बीमारू राज्य कहते थे, लेकिन बीजेपी ने इसे बीमारू से विकसित राज्य बनाने की ओर अग्रसर किया। इसी दौरान अमित शाह ने यह भी कहा कि अगर 2024 में मोदी जी को प्रधानमंत्री बनाना चाहते हैं तो छत्तीसगढ़ में बीजेपी की सरकार बनवाएं। वहीं दोस्तों, अगली बड़ी खबर आ रही है राजस्थान को लेकर। जानकारी के मुताबिक राजस्थान में 5G का इंतजार खत्म हो गया है। भामाशाह टेक्नो हब में गहलोत ने बटन दबाकर हाई स्पीड इंटरनेट सेवा की शुरुआत की। जानकारी के मुताबिक इस दौरान जियो कंपनी ने राजस्थान के जयपुर, जोधपुर और उदयपुर में 5G की शुरुआत की। इसी दौरान जो कार्यक्रम हुआ उसमें मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने कहा कि राजस्थान में सबसे ज्यादा डेटा यूज हो रहा है। साथ ही आगे कहा, अब आपको चाहिए कि टारगेट सेट करके गांव-गांव तक 5G की सर्विस पहुंचाई जाए। वहीं दोस्तों, अगली बड़ी खबर आ रही है बिरयानी खाने से जान जाने को लेकर। जानकारी के मुताबिक केरल के कासरगोड में फूड पॉइजनिंग से एक 20 साल की लड़की की जान चली गई है। बताया गया न्यूज एजेंसी PTI के मुताबिक पेरुम्बलाई की रहने वाली अंजुश्री पार्वती ने रोमानिया नाम के एक रेस्टोरेंट से 31 दिसंबर को ऑनलाइन बिरयानी की एक वैरायटी कुंजीमती मंगवाई थी। इसके खाने के बाद वो बीमार पड़ गई। बाद में उसे अस्पताल में भर्ती कराया गया और अब इलाज के दौरान अभी हाल ही में बीते शनिवार सुबह उसकी जान चली गई है। इस घटना के होने के बाद आसपास के लोग काफी गुस्से में हैं और रेस्टोरेंट के मालिक के खिलाफ सख्त एक्शन लेने की मांग कर रहे हैं। आइए दोस्तों, अब अगली खबर में विस्तार से जानते हैं कि आज 8 जनवरी 2023 को देश भर में कैसा रहेगा मौसम का हाल। तो मौसम विभाग के मुताबिक अगले 24 घंटे के दौरान गिलगित बल्टिस्तान, मुजफ्फराबाद, लद्दाख, जम्मू कश्मीर और हिमाचल प्रदेश के कुछ हिस्सों में हल्की से मध्यम बारिश समेत हिमपात की संभावना है। इसके अलावा भारत गंगा के मैदानी इलाकों में घना कोहरा जारी रह सकता है। हालांकि पश्चिमी उत्तर प्रदेश, दिल्ली और हरियाणा में इसकी तीव्रता कम हो सकती है, यानी पहले के मुकाबले में आज कोहरा कम हो सकता है। साथ ही जानकारी के मुताबिक पंजाब, हरियाणा और उत्तर प्रदेश के कई हिस्सों में कोल्ड डे की स्थिति रह सकती है। इसके अलावा पंजाब, हरियाणा, दिल्ली, उत्तर और पश्चिम राजस्थान, साथ ही में उत्तर प्रदेश और मध्य प्रदेश के कुछ हिस्सों में शीतलहर की स्थिति आज जारी रह सकती है। वहीं दोस्तों, अगली बड़ी खबर आ रही है कोरोना को लेकर। दोस्तों, जैसा कि शायद आप जानते होंगे, चीन में कोरोना के मामले बढ़ने के साथ ही भारत, जापान, ब्रिटेन और अमेरिका जैसे देशों में भी संक्रमण फैलने का खतरा मंडराने लगा है। जानकारी के मुताबिक चाइना कम्युनिस्ट पार्टी पर नजर रखने वाली ह्यूमन राइट्स एक्टिविस्ट जेनिफर जंग ने सोशल मीडिया पर एक वीडियो शेयर किया है। इस वीडियो के मुताबिक चीन में कोरोना से जान गंवाने वालों का आंकड़ा बढ़ता जा रहा है। बताया गया, वहाँ श्मशानों में जगह नहीं होने के कारण लोगों के शवों को टेंट में रखा जा रहा है। आइए दोस्तों, अब अगली खबर में जानते हैं कि बीते रोज लगभग 24 घंटे में देश भर में कितने नए मामले आए कोरोना वायरस के। तो भारत सरकार के अपने पोर्टल MyGov.in के मुताबिक बीते रोज लगभग 24 घंटे में 212 नए मरीज मिले हैं कोरोना वायरस के देश भर में। वहीं इसी दौरान कोरोना वायरस से 204 लोग ठीक हुए हैं, हालांकि इसी दौरान 2 लोगों की जान गई है। वहीं अगर बात की एक्टिव केसों की तो अभी एक्टिव केसों की संख्या 2509 है, यानी कि अभी अपने देश में कोरोना वायरस के इतने मरीज हैं जिनका इलाज चल रहा है। तो अगली बड़ी खबर आ रही है देश के सबसे बड़े बैंक यानी कि SBI में वैकेंसी निकलने को लेकर। जानकारी के मुताबिक भारतीय स्टेट बैंक में क्लरिकल से लेकर ऑफिस के पदों पर अभी हाल ही में जो भी भर्तियां निकाली गई थी उसमें आवेदन करने के लिए केवल 3 दिन बचे हुए हैं। इच्छुक उम्मीदवार SBI की ऑफिशियल वेबसाइट SBI.co.in पे जाकर अप्लाई कर सकते हैं। आवेदन करने की अंतिम तारीख 10 जनवरी 2023 है। वहीं दोस्तों, अगली बड़ी खबर आ रही है रोजगार छीनने के सदमे में जान गंवाने वाले एक व्यक्ति को लेकर। जानकारी के मुताबिक इंदौर के एक युवा मैकेनिक ने रोजगार छीन जाने के तनाव में अपनी जान दे दी है। जान देने से पहले उसने अपनी पत्नी को एक वीडियो भेजा। ये वीडियो बस 11 सेकंड का है जिसमें उसने 3 बार कहा है कि मैं अपनी मर्जी से अपनी जान दे रहा हूं। साथ ही छोटे भाई से कहा है कि मम्मी पापा मेरी पत्नी और बेटे का ध्यान रखना। जानकारी के मुताबिक मैकेनिक राहुल वर्मा के परिवार में माता पिता के अलावा पत्नी और एक बेटा है। बताया गया, राहुल वर्मा गाड़ियों का मैकेनिक था और ब्रिलियंट कन्वेंशन सेंटर के सामने उसकी एक गुमटी थी, लेकिन अभी हाल ही में ग्लोबल
ग्लोबल समिट की वजह से उसकी गुमटुई को हटा दिया गया। बताया गया अब उसने इसी की वजह से शिप्रा नदी में कूद कर अपनी जान दे दी है। वहीं दोस्तों अगली बड़ी खबर आ रही है मैकडोनल्ड्स की तरफ से। जानकारी के मुताबिक मैकडोनल्ड्स के मुख्य कार्यकारी अधिकारी क्रिस कैंपजिंस्की ने शुक्रवार को कर्मचारियों को भेजे ज्ञापन में कहा है कि कंपनी अपने कुछ कॉर्पोरेट कर्मचारियों को कटौती करने की योजना बना रही है। कैंपजिंस्की ने कहा कि हम संगठन के कुछ हिस्सों में भूमिकाओं और स्टाफिंग स्तरों का मूल्यांकन करेंगे और कुछ कठिन फैसले भी लिए जा सकते हैं। आसान शब्दों में कहें तो ये बताया गया है कि मैकडोनल्ड्स से कई लोगों की नौकरी जा सकती है। वहीं दोस्तों अगली बड़ी खबर आ रही है बीसीसीआई के चेतन शर्मा को लेकर। जानकारी के मुताबिक भारतीय क्रिकेट कंट्रोल बोर्ड यानी कि बीसीसीआई ने नई सीनियर सिलेक्शन कमेटी की घोषणा कर दी है। इसी कड़ी में पूर्व तेज गेंदबाज चेतन शर्मा फिर से कमेटी के चेयरमैन यानी कि चीफ सिलेक्टर बनाए गए हैं। इसके अलावा शिव सुंदर दास, सलील अंकोला, सुब्रतो बनर्जी और श्रीधरन शरद कमेटी के अन्य चार मेंबर्स हैं। दोस्तों आपको बता दें ऑस्ट्रेलिया में हुए पिछले टी20 वर्ल्ड कप में खराब प्रदर्शन के बाद बोर्ड ने तत्कालीन सिलेक्शन कमेटी को बर्खास्त कर दिया था। हालांकि अब फिर से चेतन शर्मा को चीफ सिलेक्टर बना दिया गया है बीसीसीआई की तरफ से। वहीं दोस्तों अगली बड़ी खबर आ रही है यूपी बोर्ड को लेकर। जानकारी के मुताबिक उत्तर प्रदेश माध्यमिक शिक्षा परिषद किसी भी समय यूपी बोर्ड 10वीं और 12वीं थ्योरी परीक्षा की डेट शीट जारी कर सकता है। डेट शीट जारी होने के बाद छात्र ऑफिशियल वेबसाइट यानी कि upmsp.edu.in पे जाकर डेट शीट के जरिए परीक्षाओं का पूरा शेड्यूल चेक कर पाएंगे। वहीं दोस्तों अगली बड़ी खबर आ रही है एलन मस्क की टेस्ला कंपनी को लेकर। जानकारी के मुताबिक अमेरिकी वाहन निर्माता कंपनी टेस्ला इंक ने चीन में अपने इलेक्ट्रिक कारों की कीमतों में तीसरी बार कटौती की है। जानकारी के मुताबिक टेस्ला कंपनी ने अभी हाल ही में बीते शुक्रवार को अपने मॉडल 3 और वाई की कीमतों में करीब 2 लाख रुपए घटा दिए हैं। साथ ही में दोस्तों एक और हैरान करने वाली बात यह है कि जो कार चीन में 31,32,000 रुपए में मिल रही है उसी कार की कीमत अमेरिका में 54,53,000 है। आसान शब्दों में कहें तो टेस्ला इंक अमेरिका की कंपनी होते हुए अपने देश में ही कारों को महंगा बेच रही है। चीन की तुलना में करीब 43% का फर्क है। वहीं दोस्तों अगली बड़ी खबर आ रही है रोहित शेट्टी को लेकर। जानकारी के मुताबिक फिल्म मेकर रोहित शेट्टी 7 जनवरी यानी कि बीते शनिवार को घायल हो गए हैं। उन्हें हैदराबाद के एक हॉस्पिटल में एडमिट कराया गया है। रिपोर्ट के मुताबिक वो अपनी वेब सीरीज इंडियन पुलिस फोर्स की शूटिंग कर रहे थे और एक कार सीक्वेंस की शूटिंग करते हुए उनके हाथ में चोट लग गई। बताया गया चोट लगने के कारण उनके हाथ की एक मामूली सर्जरी की गई है। वहीं दोस्तों अगली बड़ी खबर आ रही है व्हाट्सएप को लेकर। जानकारी के मुताबिक हैकर्स यानी कि ऑनलाइन फ्रॉड करने वाले लोगों को आए दिन अपना शिकार बनाते रहते हैं और नए नए तरीके खोज कर लोगों के पैसे लूटने की कोशिश करते हैं। दोस्तों आपको बता दें ऐसा ही तरीका है जिफ यानी कि एक ऐसी फोटो जो कि वीडियो की तरह चलती है और बार बार एक ही सीन रिपीट होता रहता है। बताया गया यह हैकर्स का एक नया तरीका है। इसी की वजह से कहा गया है कि व्हाट्सएप चलाने वालों को अभी सावधान रहने की जरूरत है। बताया गया दरअसल ऑनलाइन फ्रॉड करने वाले फिशिंग लिंक की जगह जिफ इमेज से अटैक कर रहे हैं। यानी ऐसा हो सकता है किसी अनजान नंबर के जरिए आपके पास कोई जिफ इमेज आ जाए और जैसे ही आप उस पर क्लिक करेंगे तो आपका फोन हैक हो सकता है, आपकी जानकारियां चोरी हो सकती हैं। इस तरह के मामलों में कई बार देखा गया है कि बैंक खाता तक खाली हो जाता है। हालांकि इसी बीच एक ताज़ा जानकारी आई है जिसमें ये बताया गया है कि व्हाट्सएप ने इस परेशानी को अब ठीक कर दिया है, लेकिन फिर भी एक गलती की वजह से आपका व्हाट्सएप अकाउंट हैक हो सकता है। सभी व्हाट्सएप चलाने वालों को सलाह दी गई है कि व्हाट्सएप के मीडिया ऑटो डाउनलोड फीचर को बंद कर दें। शायद आप व्हाट्सएप चलाते होंगे तो आपको पता होगा इस फीचर के ऑन करने से जिस भी नंबर के जरिए कोई भी फाइल भेजी जाती है तो वो अपने आप ही डाउनलोड हो जाती है हमारे डाउनलोड किए बिना। तो ऐसे में अगर किसी के फोन में ये वाला फीचर ऑन है और ऑनलाइन ठगी करने वाले ऐसे फोन में अगर जिफ इमेज भेज देंगे तो वो अपने आप डाउनलोड हो जाएगा और ऐसे में बिना कुछ किए फोन हैक हो जाएगा। तो अपने व्हाट्सएप की सेटिंग में जाकर स्टोरेज और डाटा वाले ऑप्शन के अंदर आपको इसे बंद करने का ऑप्शन मिल जाएगा। उम्मीद करते हैं इससे आपको काफी कुछ जानकारी मिली होगी। हम बस इसके बदले में आपसे इतना ही चाहते हैं कि आप इस वीडियो को लाइक कर दें और शेयर कर दें, क्योंकि आपका लाइक और शेयर करना ही होता है हमारी मेहनत का फल। वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक्स फॉर वॉचिंग।